स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे उस सर्जन के बारे में, तो इसे देख लेते हैं शुरुआत से। उत्सर्जन का अर्थ होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। होते हैं क्या, देखिए अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाओं को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। जो कुछ भी होता है अपनी बॉडी में, वो सभी जो क्रियाएं होती है क्या होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो अपने शरीर में लगातार जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, और जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। देखिए जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है, होता क्या, देखिए अपने शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। और जो उपापचय होता है, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है इसमें सम्मिलित, या तो कोई नया पदार्थ बने, दो पदार्थों से एक नया पदार्थ बनेगा, या एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में टूट जाएगा। ठीक, तो जब विभिन्न पदार्थों से एक नया पदार्थ बनता है, जब मतलब कोई चीज़ बनती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। किसी प्रक्रिया के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं उपचय। ठीक है, अपचय क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ नष्ट होता है उसे कहते हैं अपचय। जैसे कि श्वसन, ये कैसा है, उपचय है, जबकि जो डाइजेशन है यानी कि पाचन, वो क्या है, अपचय होता है। तो जो उपापचय की प्रक्रिया होती है, इस दौरान विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती। यदि ये किसी कारण से हमारे शरीर में काफ़ी लंबे समय तक रुक जाएं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकते हैं, और बहुत अधिक मात्रा होने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा, एक जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है, यदि किसी की किडनी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, किडनी का काम क्या होता है, देखिए ये यूरिन को छानने का काम करती है, यानी कि हमें रक्त को छानती है। यूरिन को छानने की जमे वर्ड यहाँ पे यूज होगा, रक्त को छानना। ठीक, तो हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को छानने का काम, फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी। तो किडनी से होकर ब्लड फिल्टर होता है, और जो अपना जो ब्लड होता है, ठीक है, अपने शरीर में विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो ब्लड में आ गए, और ब्लड में आने के बाद वो किडनी के द्वारा छन जाएंगे। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और ब्लड फिर आगे छनकर निकल जाएगा। जो ये अपशिष्ट पदार्थ होंगे, ये फिर कम हानिकारक पदार्थों में बदलकर अपने शरीर से फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे कि अपने शरीर में अगर हम बात करें, लिक्विड में बात करें, तो अपने शरीर में जो अपना यूरिन है, जो अपना यूरिन होता है, जिसमें कि 95% वाटर और 2.5% यूरिया होता है। तो अपना जो यूरिन होता है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यूरिया। ठीक, लेकिन ये अधिक समय तक हमारी बॉडी में रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए इसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उपापचय की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक, ये तो क्या उत्सर्जन के बारे में, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। और ऐसे अंग जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। और जो प्रोडक्ट जो बनता है इस उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक, एक काम कीजिए, देखिए आप लोग अभी हाई स्कूल में हैं, तो अभी से आप जितने भी शब्द हैं, जहाँ तक हो सके उन सभी शब्दों की इंग्लिश आप सीखना शुरू कर दीजिए। इससे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, और आपको फ्यूचर में जो फर्दर आप स्टडी करेंगे उसमें आपको बहुत आसान होगा। तो जितने भी वर्ड्स आप डेली पढ़ते हैं, उन सभी की इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए, उन्हें जनरल लाइफ में यूटिलाइज करने की। ठीक, ओके, तो जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, देखिए विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन विभिन्न तरीके से होता है। उत्सर्जी पदार्थ हर जंतुओं की जो कैटेगरी होती है उसमें अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में जो उत्सर्जी पदार्थ, जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन है, यूरिया। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है, यूरिया है। जैसे आपने देखा होगा, चिड़िया देखी होगी, बर्ड्स ना, कई बार होता है कि ऊपर से नीचे वो बीट कर देती है, मतलब कि अपना फीकल मेटीरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे फीकल मेटीरियल बोलते हैं, फीकल मेटीरियल, और वैसे फीसेस भी बोलते हैं। तो जो बर्ड्स हैं उनका जो फीकल मेटेरियल है वो ऊपर से टप से नीचे गिरा देती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा वो ड्राई होता है, जैसे छिपकली का आपने अपशिष्ट पदार्थ देखा होगा, वो ड्राई व्हाइट कलर का, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में ड्राई रहता है। वो होता क्या है, यूरिक एसिड। जो ये रेप्टाइल्स हैं और जो एवीज होते हैं, एवीज यानी कि बर्ड्स, चिड़िया, रेप्टाइल्स, सरीसृप जैसे कि छिपकली है, अगर सांप से आपकी मुलाकात हुई हो तो सांप, इन सब का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें दूसरी पिसीज, यानी कि मछलियों की जो मछलियाँ होती हैं, इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया, जैसे हमारे शरीर में भी ऐसा नहीं कि अमोनिया नहीं बनता, जो अमोनिया बनता भी है थोड़ी बहुत अमाउंट पे, वो कन्वर्ट, तुरंत ही कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में।
ऐसे रेप्टाइल्स या बर्ड्स में भी अगर अमोनिया बनता है तुरंत ही उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। कारण क्या होता है, जो अमोनिया होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो उसे बहुत टाइम तक बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता। अब देखिए जो मछलियाँ होती हैं इनमें अमोनिया, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया ही होता है। कारण क्या है देखिए, तो अमोनिया को घोलने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो मछलियाँ पानी में रहती, उनको जल की कोई कमी नहीं होती, तो लगातार पानी आता रहता और अमोनिया घुलती रहती है, वो फिर एक्सक्रीट धीरे धीरे करके उत्सर्जित होती रहती है। तो आपने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, मनुष्य का उत्सर्जी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, सरीसृप और चिड़िया की छिपकली है, चिड़िया है, इनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक एसिड है, जबकि जो मछलियाँ होती हैं इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। तो जंतुओं में उत्सर्जन में हम बात कर रहे हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में ये तो लिक्विड में फॉर्म में आ गया। अब जो गैसी मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के दौरान कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के द्वारा, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एक हानिकारक गैस है, तो ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है। तो हमारे शरीर का जो मुख्य गैसीय उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देख अमीबा की बात की जाए तो हमारा शरीर तो बहुकोशिकीय है, इस पर पूरा सिस्टम पाया जाता है, उत्सर्जन का उत्सर्जी तंत्र पूरा पाया जाता है, लेकिन जो अमीबा है उसमें ऐसा कोई तंत्र नहीं पाया जाता, वह एक कोशिका होती है, काफ़ी गरीब समझ लीजिए, ठीक, वही एक कोशिका होती है। जैसे एक रिच पर्सन एक पुअर पर्सन में जो अंतर होता है, जैसे रिच पर्सन का लाइफ स्टाइल भी अलग होता है, वहाँ पर किचन अलग होता है, खाना बनाने के लिए अलग होता है, खाना खाने का रूम अलग होता है, पढ़ने का स्टडी रूम अलग होता है, एक साथ बैठकर टीवी देखने का हॉल रूम अलग होता है, सबका सोने का बेडरूम अलग होता है, तो ये रिच पर्सन की लाइफस्टाइल होगा। यहीं पे एक पुअर पर्सन की लाइफस्टाइल क्या होगी, एक छोटा सा कमरा उसी में सब कुछ होगा, उसी में किचन होगा, उसी में उनका बेडरूम होगा, उसी में स्टडी रूम होगा, उसी में सारे काम होते हैं। इन द सेम आप समझ लीजिए अमीबा एक गरीब प्राणी है, पुअर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, पोषण भी उसी में, श्वसन भी उसी में, उत्सर्जन भी उसी में, परिवहन भी उसी में होता है। तो इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो एक रिक्तिका बनती है, उसके अंदर आ जाते हैं, और रिक्तिका संकुचनशील धानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में आ जाती है, उस कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होती है वो धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है, जब उसमें अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं और वो कोशिका की सतह मतलब कि अमीबा की सतह तक पहुंच जाती है, और वहां से फिर वो फट जाती है कोशिका झिल्ली, और वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल देते हैं, इस प्रकार होता है। ये तो हो गया आज का, अब कल आपको रिटर्न वर्क हो जाएगा कंप्लीट, जितना अभी तक लिखा दिया, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, और संडे को आपका टेस्ट होगा जितना ये उत्सर्जन से रिलेटेड। और इससे पहले हमने जो परिवहन पढ़ा पौधों में परिवहन, संडे को टेस्ट है, उसे आप सही से पढ़ लीजिएगा, और उस सर्जन में जितना पढ़ाया जाएगा सैटरडे तक उतने का टेस्ट होगा।